अतः वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। कुछ धातुओं की सक्रियता सारणी 2 में दर्शाई गई है। सारणी 2 को देखने पर हमें जानकारी मिलती है कि जहां लिथियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है वहीं प्लेटिनम सबसे कम सक्रिय धातु है। साथ ही हमें धातुओं के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता मिलती है। जैसे आयरन सिल्वर को सिल्वर के लवण से विस्थापित कर सकता है किंतु आयरन जिंक को जिंक के लवण से विस्थापित नहीं करेगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगर हम सक्रियता श्रेणी की धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त होने के समय के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम लगभग 200 साल पहले शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुई, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जैसे सोना आदि का प्राचीन सभ्यता में भी उपयोग हो रहा था। इन धातुओं को उपयोग में लाने का कारण उनका प्रकृति में तत्व रूप शुद्ध रूप में पाया जाना है। लोहे को उसके यौगिकों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, अतः ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर कोयला या कोक का उपयोग कर इसे प्राप्त किया गया। इतना उच्च ताप भट्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह भूपरपटी में उपलब्धता अधिक होने के बाद भी 3500 वर्ष पूर्व ही इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सका। पारा जस्ता और टिन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें उनके यौगिकों से केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। लोहे से अधिक सक्रिय धातुएं सोडियम पोटेशियम केवल यौगिक रूप में ही मिलती हैं जिन्हें रासायनिक रूप से अपचयित नहीं किया जा सकता। आइए देखें कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में कैसे सहायता करती है।